हार्दिक स्वागत। अपन मैथ्स में टॉपिक है वर्क टाइम। अपन राजस्थान पुलिस, पटवारी, इनमें देखें एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। वो किस टाइप का लेवल रहेगा, अपन शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक माध्यम से अपन हल करेंगे। दोस्तों देखना किस टाइप का प्रश्न रहेगा वर्क टाइम। फर्स्ट प्रश्न टाइप रहेगा अपना, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा बी भी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलके कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अपन इसके एक या दो ट्रिक पढ़ेंगे, वो देखना। अपन बेसिक तरीका है, ए का आपको वर्क दिया है कितना, 10 दिन। बी का आपको दिया है 20 दिन। यदि दोनों का अपन एलसीएम लघुत्तम समावर्ती निकालें तो एलसीएम इसका आपका 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20। यदि इसमें 10 का भाग लगाया जाए, 10 का भाग लगाया जाए 2 और 20 में 20 का भाग लगाया जाए यानी 1, यानी ये दोनों मिलकर आपका आपका टोटल वर्क 20 है। इनकी कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। यदि अपन कार्य क्षमता को इससे मल्टीपल करें दिन से, तो टोटल वर्क निकल के आएगा। यदि इसको अपन इससे मल्टीपल करें तो टोटल वर्क निकल के आएगा आपको ए और बी की कुल कितने दिन में करेंगे, 2 और 1, यानी ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3। टोटल वर्क 20 है। यदि 20 में अपन का 3 का भाग लगाया जाए तो 6 सही 2/3 डे में ये वर्क क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अपन सेकंड ट्रिक के माध्यम से हल करें, वो देखना दोस्तों। सीधी ट्रिक है इसकी, अपन ए प्लस बी। ए का मान यहां 10 है, बी का मान 20 है और 10 और 20 30 हो गए। अपन इस 0 को 0 गया, 20 को 1 से मल्टीपल किया 20, 3 से डिवाइड किया 6 सही 2/3 दे। ये आपकी ट्रिक के माध्यम से हल करें, ए गुणा बी ए प्लस बी। तीसरी टाइप है इसकी, इसी क्वेश्चन का तीसरा टाइप है आपका 1/a 1/b। अपन ए का आपको 10 दिया है, बी का कितना दिया है 20, यानी 1/10 + 1/20। एलसीएम लेन का एलसीएम आ गया 20, 10 का भाग लगाया इसमें आपका आ गया 2 और यहां आ गया 1, 2 और 1 कितने हो गए 3/20। यदि कार्य क्षमता आपको टोटल दिन पूछे हैं तो 20/3 यानी 6 सही 2/3 दे में। लेकिन आपको बेसिक तरीका अपना ये है एलसीएम लेके, कुल कार्य लेके। अपन अगले माध्यम से अगला क्वेश्चन देखें आपको किस टाइप का लेंगे। तो इस टाइप की मिलेगी, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता था, बी भी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी। यानी आपको मिलेगा ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी भी उसी कार्य को 16 दिन में, तो दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में करेंगे, वही आपको वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 16, यानी टोटल वर्क है आपका 16। 8 का भाग लगाए अपन 2, 16 का भाग लगाए 1, 2 और 1 कितने हो गए 3। ये अपन को टोटल वर्क पूछा है, ए प्लस बी का मान कितना होगा वो देखना दोस्तों। टोटल वर्क अपना, टोटल वर्क कितना है 16, कार्य क्षमता कितनी है ए और बी की 3, इसमें 3 का भाग लगाया जाए तो 5 सही 1/3 डे में कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 5 सही 1/3 डे में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके अगली टाइप है दोस्तों, आपको ए और बी को एक साथ मिलेगा, ए और बी का एक साथ वर्क मिलेगा। दोस्तों देखना,
ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी भी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी भी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। वही अपन ट्रिक के माध्यम से बेसिक तरीके से ए बराबर 10 दिन, बी बराबर 20, सी बराबर 30, इन तीनों का अपन एलसीएम लिया जाए, टोटल वर्ग निकाला जाए, एलसीएम इनका होगा 60। टोटल वर्ग आ गया आपका कितना, 60 आ गया। 10 का भाग लगाया जाए इसमें तो आपका आ गया 6, 20 का भाग लगाया जाए 3, 30 का भाग लगाया जाए 2। आपको कार्य क्षमता, यदि कार्य क्षमता को इस दिन से मल्टीपल करोगे तो टोटल कार्य निकलेगा, 10 को 6 से मल्टीपल करें 60 आए, 20 को 3 से मल्टीपल करें 60 आए, 30 को 2 से मल्टीपल करें 60 आए, यानी 6 और 3 9, 9 2 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कार्य क्षमता अपनी 11, 6 3 9 2 11, आपका टोटल वर्ग है कितना, 60। 60 में यदि 11 का भाग लगाया जाए, 60 में 11 का भाग लगाया जाए, यानी 5 सही 5/11 डे में ये कार्य तीनों मिलकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है वो देखना दोस्तों, वो किस टाइप का है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 5 दिन में, तथा ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में, ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में, यदि अपन इनका टोटल वर्ग निकालें, यानी लघुतम समावर्ते निकालें, इसका 5 और 10 का लघुतम आ गया 10। अब इनका 5 का भाग लगाया जाए तो 10 में यदि 5 का भाग लगाया गया 2 और 10 का भाग लगाया गया 1। अब आपको पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी का 2 है, ए का मान 1 है तो बी का आ गया, यहाँ प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 - 1 यानी 1। टोटल वर्क आपका 10 है, यदि आपको बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा तो 10 में 1 का भाग लगाया जाए, 10 दिन में बी कार्य को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसके अगली टाइप है दोस्तों वो देखना, आपको ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, कितने दिन में करें दोस्तों, 10 दिन में करते हैं, तथा बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, तथा सी उस कार्य को 25 दिन में करता है, तो दोस्तों बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, दोस्तों बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला अपना कि क्या लिया जाएगा, एलसीएम, दोस्तों एलसीएम होगा 10, 20 और 32 का एलसीएम होगा 100 होगा, एलसीएम आएगा 100, 10 का भाग लगाया जाए 100 में तो आएगा 10, और अपन 20 का भाग लगाया जाए तो आपका आएगा 5, और 25 का भाग लगाया जाए दोस्तों 4। अब इसके बाद में आपको पूछा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता 10 है, आपको ए बी और सी का यहाँ मान दे रखा है, ए बी का मान 5 है और सी का मान है दोस्तों 4, और इनका टोटल है 10, 5 और 4 9 हो गए, 9 इधर जाके क्या हो गए माइनस का, तो ए की कार्य क्षमता आ गई ए, टोटल वर्ग 100 है, तो एक आपको पूछा है
सौ बटे एक यानी सौ दिन में अकेला एक इस कार्य को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका वो देखना दोस्तों, किस प्रकार का है आपका वो देखना दोस्तों। आपको दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा वो देखना। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन तथा बी और सी भी उसी कार्य को 20 दिन तथा सी और ए भी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोस्तों देखना, ए और बी मिलकर बताया 10 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिन में, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, वो देखना कैसे हल करेंगे अपन। वही अपना बेसिक तरीका, ए और बी का आपको दिन दिए हैं 10 दिन और बी और सी का आपको दिया है 20 दिन और सी और ए का आपको दिया है 30 दिन। दोस्तों तीनों का यदि एलसीएम लिया जाए, एलसीएम होगा आपका 30 और 20 और 10 का एलसीएम होगा 60, एलसीएम होगा 60। 10 से अपन डिवाइड किया जाए 6 और 20 से डिवाइड किया जाए 3 और 30 से डिवाइड किया जाए दोस्तों 2 होगा, 6 3 9 2 11। अब देखना दोस्तों, यहाँ 2a है, 2b है और 2e क्या है c, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 3 दोस्तों 9 9 2 11, यानी इन तीनों की कार्य क्षमता 11 है और इसमें 2 कॉमन लें, a प्लस b प्लस c 11, इसमें 2 कहां चला जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा a प्लस b प्लस c यानी 11 बटे 2। अब आपका टोटल वर्क 60 है, यहाँ 60 में अपन यदि 11 बटे इन तीनों की कार्य क्षमता 11 बटे 2 है, अपन 60 में 11 बटे 2 का भाग लगाया जाए, 11 बटे 2 का भाग लगाए 2 कहां चला जाएगा इसके मल्टीपल में, 60 को अपन 2 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा आपका 120 यानी 120 बटे 11। 120 में यदि अब दोस्तों 11 का भाग लगाया जाएगा तो 10 सही 10 बटे 11 डे में तीनों मिलकर इस कार्य को क्या कर देंगे दोस्तों, खत्म कर देंगे। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अगले स्टेप इसी क्वेश्चन की है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखना दोस्तों वो किस टाइप का होगा। इतना तो अपना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का 11 बटे 2, लेकिन यदि आपको दोस्तों पूछ ले ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ए और ए का पूछा है तो आप बी और सी का मान रख देना दोस्तों, बी और सी का मान है अपना, ए का आपको पूछा है और बी और सी का मान आपको दे रखा है, तो बी और सी का मान है अपना यहाँ 3, तो ए प्लस बी और सी का मान है 3 बराबर 11 बटे 2। ये 3 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ए बराबर 11 बटे 2 माइनस के 3, यहाँ एलसीएम होगा 2। अब 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया 11, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 1 का भाग दिया 2, 2 को 3 से गुणा किया दोस्तों 6, 11 से 6 गए दोस्तों, कितने बच गए 5
पांच बच गए, पांच बटे दो। अब आपको टोटल वर्ग आपका कितना था दोस्तों, 60 था। आपको एक अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्ग अपना था 60 और एक का पूछा अपने को एक ही कार्य क्षमता है दोस्तों 5/2। या तो आप इसको 2.5 का भाग लगा देना, या दोस्तों सिंपल तरीके से देखें इसमें 5/2 का भाग लगाए तो 2 कहां चला जाएगा इसके मल्टीपल में, तो 60 को आप 2 से गुणा करोगे दोस्तों तो आएगा 120/5, तो आएगा 24 डे में ए अकेला उस कार्य को क्या कर देगा दोस्तों, समाप्त कर देगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखें अपन इसी टाइप का, वो देखना दोस्तों वो किस प्रकार हुआ। दोस्तों ए और बी और सी किसी कार्य को तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें तो 5 दिन में कर सकते हैं, तथा बी और सी उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपना बेसिक तरीका वो ही टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम माध्यम से, 5 और 10 का एलसीएम लें अपन, लघुतम समावर्ती निकालें 10 और 5 का, तो दोस्तों एलसीएम आएगा आपका 10, यानी टोटल वर्क हो गया अपना दोस्तों 10। अब इसमें आपको ए अकेला का वर्क पूछा है, तो इनका 5 का भाग 10 में लगाए गए तो 2 आएगा, 10 का भाग लगाए गए दोस्तों इसमें 1 आएगा। अब आपको किसकी पूछा, आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपकी 2, और बी और सी की वैल्यू है कितनी दोस्तों 1, तो यहां मैंने यहां वैल्यू रखी है आपको 2, तो ए का मान निकल के आएगा दोस्तों 2-1 यानी 1 दोस्तों। अब आपको ए का अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, टोटल वर्क आपका 10, तो 10 में यदि टोटल वर्क में ए का निकालना आपको 10 में 1 का भाग लगाया दोस्तों, अकेला यदि कार्य करेगा ए तो 10 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों समाप्त। इसका अपना अगला क्वेश्चन रहेगा तो अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा 1 या 2 दिन में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।